नया लड़का जो बहुत नॉनसेंस, कैसे कैसे लोगों को ले लेते हो आप लोग, मेरा सारा मूड खराब करके रख दिया। सारे सीन्स मैं कल करूंगी। मैं बात सुनिए मैडम, ये क्या किया अभी? सर मैं कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस गया था। तेरे को कट समझ नहीं आता? सर थिएटर में कट नहीं होता है। कट नहीं होता थिएटर में? नहीं सर। तेरे को मैच नहीं नहीं होता सर। किराया तुम्हारे पास है नहीं, और जब भी ऐसे डालता है घर से लेकर आया उसको। सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर, आइंदा ना करूंगा सर। अरे अरे एक बार सर प्लीज, एक बार सर, एक बार प्लीज। अरे नीचे जा रहा भाई, अरे नीचे जा रहा, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है इसलिए मैंने अपनी हाइट छोटी रखी है भाई, नीचे जा रहा। अरे सर 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 रूम को भाड़ा देना है सर, एक मौका दे दीजिए प्लीज सर। ठीक है ठीक है, तुम कहते हो तो एक चार्ज हो देता हूँ, अच्छे फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा चार्ज किसी को नहीं मिलता, इसलिए मैं देता हूँ सर। तुम जाओ, तुम हीरो को लेकर आओ, मैं इसको समझाता हूँ जब तक। इधर भाई इधर भाई, मेरी बात सुनो। देखो अब अगला सीन ये है, हीरो आएगा इधर से, हीरो आएगा। हाँ। एक बात का ध्यान रखना, जो हीरो है वही हमारी फिल्म का प्रोड्यूसर है। जी सर। ठीक है ना? जी जी। उसने पैसे लगाए हैं। जी सर जी। हीरो आएगा। हाँ। तूने उसके ना ऐसे एक चांटा मारना है, उसके बाद कहना है कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सर लेकिन ये डायलॉग तो हीरो गुंडे को बोलता है। चेंज चेंज। अच्छा साइटेड नहीं होना, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। नो नो, ओवर एक्टिंग ना करें। थिएटर नहीं आना चाहिए फिल्म में। ना ना ना, थिएटर वोटर नहीं आएगा। ना ना, हम एकदम बढ़िया से करेंगे सर। आ जा ले, अभी ले सर को। सर जी अपना सीन में आपको समझा दूं, सीन ये है कि मुझे मत समझाओ, स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, सीन नंबर बताओ गली। सर 32B। 32B? हाँ जी। ये लड़का? हाँ जी ये लड़का। तैयार है भाई? हाँ हाँ। एक ही मारना है। ठीक सर। ठीक है तैयार है भी। कैमरा डार्लिंग एक्शन। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एक्सीलेंट कट। ओके। सर आपने कहा एक थप्पड़ मारो, एक थप्पड़ मारे तो काटा क्यों उसे? आपने कहा कट। हाँ करने कट। ना ना ना, ये क्या है? ना ये क्या कट? सुनिए सुनिए ना, क्या है ये? मेरे गरम कपड़े आज ड्राई क्लीन के लिए दे ही दीजिए ना, एक हफ्ते से चिल्ला रही हूँ लेकिन आपके कान में जू भी नहीं रेंग रही है। अरे यार तुम्हारा भी अजीब प्रॉब्लम है, जब देखो जून के गर्मी की तरह तपती रहती हो। सुनो कभी जनवरी के ठंड जैसी कूल भी रहा करो। अच्छा जब मैं कूल रहा करती थी तब आप मुझे ब्लडी फूल बना देते थे, अभी आप जाइए। ये मुझे लेके जाना पड़ेगा? जी हाँ। क्या हुआ बाबू? जानू बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। मैं दवाई लेके आती हूँ। सुनो हाँ, दवा लेने जा रही हूँ तो कपड़े भी ड्राई क्लीन के लिए दे देना। अच्छा इसीलिए आपको बोला है ना अपनी लिखी कविता नहीं पढ़ा करते। ये जो तुमने फालतू बकवास कर दी ना, इससे मेरा सर दर्द 2 डिग्री और बढ़ गया। 4 कदम की दूरी पे दुकान है और उसका नाम सुन के आपका सर दर्द हो गया? 4 कदम की दूरी पे दुकान है? हाँ। तो जाओ ना लेके आओ। जब हटा जा रहा है। ओ, ओ, ओ। हाय मुझे सुकून का मिला है ये पल, मेरी बीबी लौटे कल। अरे हाय राजा वाली फीलिंग आ रही है। हाय। अरे 2 मिनट हुआ नहीं कि हाय बाय, फिर तुम्हारा शुरू हो गया। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? जी वो कवि। बहुत बड़ा कवि हूँ मैं। हाय हाय सर, मैं अंधेरी दुनिया से आई हूँ। अरे अंधेरी दुनिया से कहाँ,
आपके तो आने से हमारी दुनिया में उजाला आ गया है। कैसे हो मेरे फॉलोअर्स? बाबा जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। मत कहो, हमें वाइब्रेशन आ गई है। बाबा जी, मुझे आपसे अभी कुछ कहना है। देखो भाई, हम जज्बातों पे कंट्रोल करो, यहाँ भक्त बैठे हैं, मेल कर देना बाद में। बाबा जी, मुझे आपसे ये कहना है कि कल मैं नहीं आऊंगी। भाई ये तो गलत बात है, एक तो हम तुम्हें सैलरी नहीं देते, ऊपर से छुट्टियां करती रहती हो। नहीं नहीं बाबा जी, कल मेरा 5-स्टार होटल है ना, उसमें इंटरव्यू है जॉब का। जो तुम्हारी उम्र है ना, उसमें जॉब के लिए इंटरव्यू देते नहीं, शादी के लिए लड़कों की इंटरव्यू लेते हैं। चलो लो हमारी इंटरव्यू। नहीं नहीं बाबा जी, उस होटल में ना वो लोग मुझे सैलरी देंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है वहाँ पर, और जितना बड़ा आपका आश्रम है ना, उससे भी बड़ा तो स्विमिंग पूल है वहाँ का। भाई ये तो हमें नहीं पता, हम तो इतना जानते हैं कि जितना बड़ा स्विमिंग पूल होता है, कपड़े उतने ही छोटे होते हैं इंसान। लेकिन बाबा जी, वो तो मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन आपने कभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया है? हम तो चैंपियन हैं स्विमिंग में, स्विमिंग करने वाली लड़कियों के कपड़े लेकर भागने में। अच्छा चोपड़ा जी, अच्छी मैं क्या कहता था कि आजकल के लड़के ना बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आते इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, नहीं तो हमारे टाइम में देख लो, जैसे मैंने टॉप किया था, फिर भी पूरा एक महीना मैंने तैयारी की, तब जाकर मैं सिलेक्ट हुआ, देख लो। ओहो शर्मा जी, देखो आप तो टॉपर थे, लेकिन जॉब तो सबसे पहले मेरी लगी थी ना, क्योंकि मंत्री तो मेरे चाचा जी थे। वो तो है। अच्छा मंत्री से याद आया मेरे को, अपने जीएम साहब का फोन आया था, वो मंत्री जी का कोई भांजा आने वाला है, सिलेक्शन उसका ही करना है हम लोगों ने। अच्छा ऐसी बात है, नाम क्या बताया उन्होंने? नाम तो नहीं बताया भाई, एक डॉक्यूमेंट आया है, ये तो फोटो है उसकी। बचपन की फोटो उसकी। आइडिया, एक मिनट। हेलो, हाँ रीटा, हाँ भी ध्यान रखो जरा, जो बाहर कैंडिडेट बैठे हुए हैं ना इंटरव्यू के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो अपने बचपन की एक एक फोटो लेके आए, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैच करने के लिए। हाँ ओके ओके, लो जी आप कैंडिडेट बुलाइए जी। हाँ जी, कमिन कमिन। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर जी नमस्ते, क्यों नहीं नमस्ते, तो पहले बनती है। हाँ जी फोटो लाए हो? सर नहीं, फोन कर दी है और फोटो आ जाएगी सर, लेकिन सर एक बात है, सेम टू सेम ऐसे हम बचपन में भी दिखते थे, आप इंटरव्यू लीजिए सर, जैसे ही फोटो आएगी हम आपको पकड़ा देंगे। आप अपना बायोडाटा दिखाएं, बायोडाटा। सर यहाँ जिंदा आदमी खड़ा है, जो पूछना है पूछिए सर, बायोडाटा बायोडाटा ही क्या है। अरे अकल नहीं है इसको इंटरव्यू के लिए, किसने बुला लिया भाई, इसको पता नहीं बात कैसे करनी है भाई। यार एक मिनट एक मिनट, कंप्यूटर का नॉलेज है कंप्यूटर का? मतलब सर? मतलब कंप्यूटर चलाना आता है सर, वही ना जो काला वाला डब्बा होता है, बटन दबा दो चलने लगता है, वही ना। ये कैसा बंदा भाई, इसको इंटरव्यू में किसने बुला लिया, इसको पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। सोच रही हो जैसा देख रही हो वैसा नहीं है भाग्यवान। भाग्यवान ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे नहीं करता है। तू भाग्यवान क्यों बोल रहे, हमारा ज्वाइंट अकाउंट थोड़ी है। आइए आइए, कहाँ थे इतनी देर? शराब पीकर कोठे पर से जुआ खेल के आ रहा हूँ। ये क्या है? ये कटोरा, इसमें पानी मत भरना। वो क्यों? बाय चांस गिर गए डूब के मर जाओगे। बाबा मुझे आपसे एक बात करनी थी। अकेले में के यहीं पे? नहीं, यहीं सबके सामने करनी है।